नमस्कार, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट रिपोर्ट ऑटोमेशन। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टैबलू। टैबलू के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि डेटा विजुलाइजेशन टूल्स है। और हम टैबलू के ऊपर पेन ड्राइव की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ये जो वीडियो देख रहे हैं पेन ड्राइव रिकॉर्डिंग है, जिसकी कुछ सैंपल्स वीडियोज हम यूट्यूब पर डाल रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो परचेज करना है तो मेरी वेबसाइट से परचेज करेंगे जब ये प्रिपेयर तैयार हो जाएगा तो पूरी तरह से। तो चलिए, हम टैबलू की हमारी पहली क्लास है और मुझे टैबलू की पहले से एडवांस में बुकिंग आ गई है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि फिलहाल अभी मेरे पास एक्सेल वीवी और एमआईएस की वीडियो है, बट आज ही किसी ने मुझे पेमेंट किया है और टैबलू की वीडियो के लिए रिक्वेस्ट किया है, तो मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए, हम डिस्कस करते हैं टैबलू के ऊपर। तो सबसे पहले जानिए कि आखिर टैबलू है क्या, और उससे पहले सॉफ्टवेयर कैसे लेंगे, कैसे अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि ये पेबल है या फ्री में इसकी वर्जन मिलते हैं वगैरह वगैरह, इन चीज़ों पे मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो चलिए, सबसे पहले हम टैबलू की वेबसाइट को खोलते हैं। तो जाहिर सी बात है, टैबलू के पाथ पूछने के लिए, अगर पता है टैबलू के पाथ तो डायरेक्ट डाल सकते हैं, अदरवाइज गूगल बाबा से पूछ लेते हैं। तो टैबलू हमने पर सर्च किए तो मेरे यहाँ पर टैबलू आ गए। हम टैबलू पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले इसकी सॉफ्टवेयर की हम बात करते हैं कि हम टैबलू की जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर कैसे लेंगे। पहले जान लीजिए चाहिए कि इसका ट्रायल वर्जन तो है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, बट इसकी ट्रायल वर्जन सिर्फ 14 डेज का है। जी हाँ, जैसे स्टार्ट फ्री ट्रायल आप करते हैं तो ये आपको 14 दिन का ही ट्रायल वर्जन देता है। जी हाँ, 14 डेज का ही, बट 14 डेज में तो आप टैबलू सीख नहीं पाएंगे और इसको ले नहीं पाएंगे। अब इसकी प्राइसिंग देख लीजिए, क्या ये हमारे बजट में है, हम ये खरीद पाएंगे या नहीं खरीद पाएंगे। तो यहाँ पे तीन प्राइज है, टैबलू इंडिविजुअल फॉर टीम ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्बेड एनालिसिस। तो इंडिविजुअल के लिए आप यहां पे देखिए $840 प्लस टैक्स, और ये एनुअली बिल होगा। मतलब कि अगर मैं इसकी प्राइसिंग निकालूं मनी कन्वर्टर पे, करेंसी कन्वर्टर, तो 840, 7627 रुपया इसका ईयरली फीस है, और मुझे लगता है कि इसको आप परचेज कर पाएंगे, और मेरी मदद से ही बाहर है, मैं भी परचेज नहीं कर पाऊंगा। तो सॉफ्टवेयर कैसे, इसको सॉफ्टवेयर को तो आप डाउनलोड आप इजीली कर सकते हैं, कोई डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको डाउनलोड आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब हम इसको डाउनलोड करेंगे लेकिन डाउनलोड करने के बाद बिना इसकी आईडी के तो तैयार होगा नहीं। तो इसका सलूशन है, आपको गूगल पे बहुत सारे इसके क्रैक वर्जन मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे टैबलू क्रैक। तो टैबलू के बहुत सारे क्रैक वर्जन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब आपको यहाँ पे डाउनलोड बस आइडेंटिफाई करना होगा कि कैसे इसको डाउनलोड करें। बट इसमें एक प्रॉब्लम और भी है कि आपको टैबलू और इसकी डेस्कटॉप वर्जन तो आप डाउनलोड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसका ऑनलाइन वर्जन कैसे लेंगे। अगर डेस्कटॉप वर्जन हो गया तो फिर पीडीएफ में डेटा निकाल पाएंगे, किसी को भेज तो नहीं पाएंगे। लेकिन जब कंपनी जब किसी ज्वाइन करेंगे तो कंपनी के पास एक टैबलू का सॉफ्टवेयर होता है, उसके लिए कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रैक वर्जन ढूंढ कर डाउनलोड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे आपको एक और मिलता है फीचर्स के टैबलू स्टूडेंट लाइसेंस। यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, आपको टैबलू का स्टूडेंट लाइसेंस आपको मिल जाएगा, जिसको आप यूज कर सकते हो। इसके लिए कोई प्राइस आपको नहीं देने की जरूरत है टैबलू। तो यहाँ पे आपको टैबलू फ्री पे क्लिक करना है। टैबलू फ्री पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपसे आपको यहाँ पे एक फॉर्म फिल करने के लिए बोलेगा।
जिसमें रीजन हो गया, डेट बर्थ वगैरह, और यहाँ पे सिलेक्ट हुआ वेरीफाई स्टूडेंट स्टेटस। उसके बाद आपसे आपकी कॉलेज का आईडी मांगेगा। जी हाँ, यहाँ पे आपको कॉलेज का आईडी मांगेगा। जी हाँ, अब कॉलेज की आईडी अगर आपके पास है तो इसको ले सकते हैं। तो मतलब कि टैबलू की इसकी लाइसेंस वर्जन लेने के लिए टैबलू की आपको ए चाहिए होगा, एक सॉफ्टवेयर चाहिए, एक स्टूडेंट, एक यूनिवर्सिटी, किसी यूनिवर्सिटी का आईडी चाहिए। जरूरी नहीं कि वो आईडी आपके नाम से ही हो, वो किसी और के नाम से भी हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप, लेकिन आपको ये आईडी तुरंत हाथों हाथ नहीं मिलेगा, आपको क्या करना है, दो तीन, आपको 24 घंटे का वेट करना होगा। आपके मेल पे, आपकी जो मेल है उस मेल पे टैबलू की डाउनलोडिंग लिंक और उसका प्रोडक्ट कोड आपको आएगा। आपको टैबलू इंस्टॉल करना है एंड उस प्रोडक्ट कोड को यहां यूज कर देना है। सिंपल सी बात है। तो टैबलू के बाद आप जब टैबलू करने के बाद फिर आप टैबलू को डाउनलोड कीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए और उसको अप्लाई कीजिए। अब बात आती है कि अगर मैं स्टूडेंट वर्जन, मेरे पास स्टूडेंट आईडी नहीं मिली, तो आप किसी और के भी आईडी मांग सकते हैं। अगर मान लो किसी और के भी आईडी ना मिली तो क्या करेंगे, तो डाउनलोडेड वर्जन आप ले सकते हैं। डाउनलोडेड वर्जन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर वो आपका जो रिपोर्ट है, जो आप रिपोर्ट क्रिएट करोगे, वो रिपोर्ट आपको सिर्फ सेव एज पीडीएफ, प्रिंट एज ए पीडीएफ में ही इसको ले सकते हैं। इसके अलावा इसको टैबलू फॉर्मेट में भेज सकते हैं, जो वही यूज कर पाएगा जिसके पास टैबलू है। तो टैबलू की आप बात करते हैं पार्ट्स के बारे में, कि टैबलू के पार्ट्स क्या क्या है। तो सबसे पहला आपका है टैबलू डेस्कटॉप वर्जन, जो कि आपने देखा, जिसको परचेज करना पड़ेगा, या पायरेटेड भी डाउनलोड बहुत सारे आ गए हैं वो कर सकते हैं, या फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं स्टूडेंट वर्जन। दूसरा आता है टैबलू पब्लिक। जी हाँ, आप टैबलू पब्लिक को भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको जस्ट रिपोर्ट देखना होता है, आप रिपोर्ट को कुछ खास माने कि मॉडिफाई वगैरह थोड़ा बहुत करते हैं, रिपोर्ट बनाते नहीं, आपको बस रिपोर्ट देखने के लिए चाहिए। क्योंकि अगर मैंने रिपोर्ट बनाया और किसी को नहीं, कोई उसको देख नहीं पाया, तो क्या फ़ायदा। और हर किसी को देखने के लिए फिर मुझे टैबलू की आईडी हर किसी के लिए क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब मुझे बिजनेस अकाउंट लेना पड़ेगा। तो आपको लिए टैबलू जो है फ्री देता है, वो देता है टैबलू पब्लिक। जी हाँ, टैबलू पब्लिक जो होता है वो बिल्कुल फ्री होता है। टैबलू पब्लिक जो है आपके लिए फ्री होता है, ये हर किसी के लिए फ्री है, इसके लिए कोई ज्यादा इसमें परचेजिंग की जरूरत नहीं है, बट इसमें फीचर्स कम होते हैं। तो यहाँ पे ईमेल आई डालिए और इसको डाउनलोडिंग लिंक आपको मिल जाएगा। तो टैबलू पब्लिक का इंस्टॉल करते हैं, मतलब कि रिपोर्ट आप जब बनाएंगे तो रिपोर्ट को आप तीन फॉर्म में, तीन से चार फॉर्म में अलग कर सकते हैं। पहला होगा आपका कि आप अपने रिपोर्ट को टैबलू की जो डेटा फाइल है उसमें करें, दूसरा ऑनलाइन आप करके फिर उसको शेयर कर दें, तो हर कोई उसको देख, जो जो टैबलू जिस टैबलू की आईडी पर शेयर करेंगे वो भी उसको देख पाएगा। तीसरा आपका इसमें आता है, वो तीसरा इसमें आता है कि आप टैबलू जो आपका है उस टैबलू का पब्लिक वर्जन किसी को भेज दीजिए रिपोर्ट फाइल, तो पब्लिक वर्जन में डाउनलोड करके देख सकता है। तीसरा था टैबलू सर्वर, मतलब कि आपका डेटा पूरा सर्वर पे होंगे और आपके जो भी क्लाउड से जुड़े होंगे उसको जैसे पब्लिश करेंगे, आपको शेयर पॉइंट की तरह हर किसी को मिल जाता है। तो टैबलू के चीजें हैं। तो टैबलू का यहाँ पे से मैं साइन इन करूँगा तो आप देखेंगे कि वहाँ पे ये मेरे अकाउंट से नहीं है, मेरे वाइफ के अकाउंट से है। इसमें ऑफिशियल आईडी हो इसकी कोई जरूरत नहीं, आप यहाँ नॉर्मल आईडी भी डाल सकते हैं, इसमें ऑफिशियल आईडी की जरूरत नहीं है। ये आ गई, जी हाँ, तो जो मेरे रिपोर्ट्स हैं, ये सारे मेरे रिपोर्ट्स हैं, इसको मैं व्यू कर सकता हूँ, देख सकता हूँ मेरे डैशबोर्ड जो भी मैंने बनाकर अपलोड किए हुए हैं, ये मेरे प्रोफाइल में एडेड है। सिंपल सा, मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ इस रिपोर्ट को टैबलू फॉर्मेट में,
जो कि टैबलू डेस्कटॉप ऐप पे या टैबलू पब्लिक पे इसको ओपन किया जा सकता है, सिंपल सा। या फिर मैं इसको शेयर कर सकता हूं, ये हमारा टैबलू का ये हो गया सर्वर लिंक होगी। अब इस लिंक को मैं दूंगा तो कोई भी पर्सन इस लिंक को पेस्ट करेगा और यहां पे इस रिपोर्ट को देख लेगा, आपके सामने इस रिपोर्ट को देख रहा है। और पूरी तरह जैसे हम यूज करते हैं टैबलू में उसी तरह से इसको यूज कर सकता है, इसलिए टैबलू की वेब आईडी भी होनी जरूरी है अगर आप कंपनी में यूज करते हो तो। लेकिन कंपनी ने परचेज किया होगा तो आपके पास उनके पास सब कुछ होगा, लेकिन वही है कि थोड़ा सा कॉस्टली है, हर कोई ये बजट में नहीं है। वेंटिलेशन कंपनी ही इसको यूज कर सकती है और इंडिविजुअल पर्सन्स अगर टैबलू की बहुत ज़रूरत है तो यूज कर सकते हैं। लेकिन इससे सस्ता सस्ता में आपका पावर बी आई है, इसलिए मैं अपने स्टूडेंट भी फ़ोन करते हैं उनको मैं सलाह देता हूँ कि वो पावर बी आई ही यूज करें, क्योंकि पावर बी आई एक तो आपको जो है 6 महीने के लिए उसका ट्रायल वर्जन फ्री है। जी हाँ, 6 महीने के लिए ट्रायल फ्री है। दूसरी चीज़ है कि अगर ट्रायल आप नहीं परचेज करते फिर भी उसकी फ्री वर्जन यूज कर सकते हैं, कोई उसकी प्रॉब्लम नहीं है। डेस्कटॉप यूज करने के लिए उनको कोई किसी भी तरह की सॉफ्ट किसी भी तरह की आईडी वाईडी की जरूरत नहीं होती, हर कोई एनीवन डेस्कटॉप वर्जन यूज कर सकते हैं। वेब वर्जन और स्पेसिस के लिए वो चार्ज करती है माइक्रोसॉफ्ट पावर बी आई, तो बहुत मामले में पावर बी आई अच्छा है, अगर कोई यूज करना चाहे तो यूज इजिली कर सकता है। तो पावर बी आई छोटे मोटे कंपनी यूज कर सकते हैं, जिसको अगर 10-20 का सेटअप है और पे नहीं करना चाहते हो तो फ्री वर्जन को लेके भी कर सकते हैं। कुछ लिमिटेशन फ्री वर्जन में आती है लेकिन फिर भी वो यूज कर सकता है। और या फिर इसकी जो इंडिविजुअल फीस है 600-700 की फीस है वो पे कर सकता है, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है, मंथली 600-700 रुपये की फीस है तो वो किया जा सकता है। तो टैबलू के अकॉर्डिंग मेरी जो ओपिनियन है वो पावर बी आई बेटर है, इजी टू यूज है। और दूसरी चीज़ क्या है कि यूज करने में भी जो एक्सेल जिन्होंने अच्छी तरह से किया हुआ है वो पावर बी आई को भी अच्छी तरीके से यूज किया जा सकता है। तो टैबलू के फीचर्स था कि अब टैबलू को सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना होगा, डाउनलोड करने के बाद जो भी आप रिपोर्ट यहाँ बनाएंगे वो आपके अभी टैबलू पे सबमिट हो जाएगा। अब रिपोर्ट कैसे बनेंगी, क्या फीचर्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। फिलहाल आप क्या करें, सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए स्टूडेंट वर्जन क्रैक वर्जन को ढूंढें। हालांकि मैंने क्रैक वर्जन कभी यूज किया नहीं है और एज ए टीचर मैं सलाह नहीं दे सकता कि क्रैक वर्जन इट मींस इलीगल है, यानी कहीं हम चोरी कर रहे हैं ना, इसलिए एज ए टीचर मैं सलाह नहीं दूंगा। लेकिन दूसरा तरीका है स्टूडेंट वर्जन का, लेकिन उसके लिए आपको आईडी ऊपर करनी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से आपके कोई ऐसे रिलेटिव तो जरूर होंगे जो किसी न किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होंगे, किसी भी यूनिवर्सिटी का चलेगा पढ़ रहे होंगे, उस यूनिवर्सिटी का आईडी कार्ड को स्कैन करके आप डाल देंगे तो आपको वहां पे इसका स्टूडेंट वर्जन का पूरा चीजें मिल जाएगी। तो फटाफट कीजिए। और इसी तरह से मेरे चैनल पर है, मैं बहुत सारे वीडियोस अपलोड करूंगा पावर बी आई की पेन ड्राइव से, लेकिन पूरी वीडियो अपलोड नहीं करूंगा। तो पेन ड्राइव बनने में 1.5 महीने का टाइम लगेगा, तो 1.5 महीना आप वेट करके पेन ड्राइव परचेज कर सकते हैं। या फिर आप चाहते कि नहीं डेली टू डेली मेरी डेली बेसिस पे वीडियोज मुझे मिलता रहे, जैसे कि यहाँ मैं शेयर ड्राइव में वीडियोज को डाल दूँ आपके पास हो, जैसे मैंने अभी पावर बी आई की वीडियो बना के डाली है, तो दो बंदों ने इसको इस हमारे चीज़ को सब्सक्राइब किया है तो उनके पास ये वीडियो पहुँच गए होंगे। तो आप भी चाहते हैं कि जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ और आपको दे दूँ, पेन ड्राइव बनेगा तो फिर आपको पेन ड्राइव भी मिल जाएगा, लेकिन डेली वीडियो क्योंकि एक दिन में एक दो वीडियो देखेगा तो हमारी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, इसलिए मुझे कॉल कीजिए, हम आपको तरीका बताएंगे किस तरीके से आप सब्सक्राइब करेंगे तो डेली बेसिस पर आपको पेन ड्राइव की जो भी पेन ड्राइव की रिकॉर्डिंग में करूँगा इसकी पावर बी आई एंड टैबलू पे आपको वो मिलता जाएगा। तो फिर आप मुझे कॉल कीजिए और अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे बाकी चीज़ों के बारे में। थैंक यू।